जरा सोचिए, अगर आप अपनी बिल्डिंग की लॉबी में टहल रहे हों और तेंदुए को घूमते हुए देख लें तो क्या गुजरेगी आप पर। मुलुंड में स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग के लोगों ने जब अपनी लॉबी में घुसे तेंदुए की तस्वीरें देखी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तारीख 21 जून, रात 2:46। मुंबई के मुलुंड की लोक निसर्ग सोसाइटी, सब कुछ शांत है, रात में सन्नाटा पकड़ा पड़ा है। तभी एंट्री होती है इस तेंदुए की। सोसाइटी की मार्बल लगी लॉबी में तेंदुआ बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए पहुंचता है। उसकी नजर सामने खड़े कुत्ते पर पड़ती है। तेंदुआ फुर्ती से कुत्ते की गर्दन को अपने मुंह में दबाकर उसे कंपाउंड से बाहर ले जाता है। सुबह जब सोसाइटी के लोगों ने ये सीसीटीवी फुटेज देखा तो तेंदुए को देखकर उनके होश फाकता हो गए। फुल ग्रोन लेपर्ड है, छोटा लेपर्ड नहीं है। उसको इमीडिएटली ट्रैप करने के लिए हमको कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो आज इधर उधर घूम रहे हैं, शायद उसको भी अटैक कर सकते हैं। मुलुंड की ये पॉश सोसाइटी संजय गांधी नेशनल पार्क की चार दीवारी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बरसात के मौसम में यहाँ पहले भी तेंदुए आ चुके हैं। सोसाइटी के लोगों की शिकायत है कि वन विभाग जानवरों से लोगों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं करता। शाम को 6 बजे के बाद अंदर से निकलना ही मुश्किल हो गया। अंधेरे होने के बाद कभी किधर से छुपा हो गया और किसी के ऊपर जंप मारे का पता नहीं लगता है। और हम लोग सीनियर सिटीजन, बच्चा लोग को, लेडीज लोग को तो इतना घबर गए कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जगह जगह तेंदुए और दूसरे जंगली जानवरों से सावधान रहने की हिदायत देते पोस्टर सोसाइटी कंपाउंड पर लगा दिए गए हैं। रात के लिए बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स का इंतजाम भी किया गया है। जब ये तेंदुआ लोक निसर्ग सोसाइटी में घुसा तो सोसाइटी का गार्ड भी वहीं मौजूद था। उसने किसी तरह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।